अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं सादिया मुकद्दस यूट्यूब चैनल। तो आ गई हूँ मैं आपके साथ फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है लहसुन को सेव करने का तरीका। तो यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिए हैं, तकरीबन 3 से 4 बंच मैंने इसको ले लिए। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के इसको मैंने अच्छे तरीके से सुखा लिया है। आगे ईद आने वाली है, आपको पता है हम अपने लहसुन को, अदरक को, इन चीज़ों को भी स्टोर करके आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप जग भी ले सकते हैं या आप इस तरह का ब्लेंडर के साथ छोटा जार मिलता है, आप ये भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं सारे ये लहसुन के जो है वो जवे डाल दूंगी। जवे मैंने लहसुन के डाल दिए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल। इसमें हमने पानी नहीं डालना, इसमें हमने डालना है ऑयल। ऑयल तकरीबन हमें डालना है 2 से 3 टेबल स्पून। इस पर आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। लोग जो कहते हैं कि हमारा बाज़ार का जो है लहसुन अदरक वो ख़राब नहीं होता, उनका कलर चेंज नहीं होता, वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि वो इसमें पानी नहीं ऑयल डालते हैं। और लहसुन अदरक को कभी भी जो है वो साथ मत पीसें, क्योंकि साथ पीसने से फिर उसका कलर ख़राब हो जाता है। फिर आप कहते हैं हमारा उस तरह का कलर नहीं है जिस तरह बाज़ार वाले में आता है। आप हमेशा जो है वो अलग-अलग, जिस तरह हमने लहसुन को पीसा है आप इसी तरह ही अदरक को भी पीस सकते हैं। ये देखें लहसुन अदरक पीस चुका है, हमारा लहसुन जो है वो पीस चुका है। ये देखें मैं इसको बॉल में निकाल रही हूँ। आप इसका कलर चेक करें और जब आप बनाएंगे ना तो आप इसकी खुशबू चेक कीजिएगा। ये देखें सेम टू सेम बाज़ार वाला लग रहा है। ये देखें अभी आप इसको कोई एयर टाइट जार में जो है इस तरह भर दें और इसको आप सेव कर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ जो है वो एयर टाइट जार में रख दिया है। अब आप इसे फ्रीज करके अपने आराम से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये देखें अभी पड़ा हुआ है, अब मैं इसे यूज़ करूँगी। तो अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैं और आपके लिए अब मज़ीद कौन कौन सी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।